हेलो दोस्तों, सिलाई मशीन डबल टू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक सिलाई मशीन आई है दुकान पर बनने के लिए। फ्रेंड्स, उस मशीन में क्या है कि जो ऊपर का धागा होता है वो बार बार तोड़ती है, थोड़ा सिलाई चलती है तुरंत धागा काट जाती है, और ऊपर का धागा मशीन बार बार तोड़े तो उसमें हमें कहाँ से कैसे ठीक करना है घर पर ही, क्योंकि ग्राहक प्रॉब्लम ग्राहकों को ज़्यादा आती है इस चीज़ की, क्योंकि वो किसी भी कपड़े पर मशीन को चलाते हैं तो तुरंत ही ऊपर का धागा मशीन तोड़ देती है, थोड़ा सा बकिया चलेगी तो तुरंत धागा तोड़ देगी। तो उस मशीन को कैसे घर पर ठीक करना है उस टॉपिक पर वीडियो बनाई गई है। फ्रेंड्स, वीडियो को कृपया ध्यान से देखना और उसी कंडीशन को अपनी मशीन पर फॉलो करना, आपकी मशीन कभी भी धागा नहीं तोड़ेगी। और जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बताएं उसी प्रकार आप वीडियो देखो और अपनी मशीन को घर पर ठीक करो। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस मशीन के बारे में आपको बता रहे थे, ये सिलाई मशीन है फ्रेंड्स, और ये मशीन हम थोड़ी सी इससे सिलाई करते हैं तुरंत ये धागा काट देती है। तो फ्रेंड्स, ये ऊपर का धागा काटती है, बॉबिन का धागा नहीं काटती है। अगर आपकी मशीन बॉबिन का नीचे का भी धागा काटती है तो हमने इस पर टॉपिक पर भी वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पर जाइए वीडियो देखिए। अगर नीचे का धागा काटती है तो उसके लिए भी वीडियो है, और ये वीडियो ऊपर का धागा मशीन काटती है उस पर बनाई जा रही है। ये जो ऊपर वाला धागा होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड हमने इस मशीन में धागा भी बहुत अच्छी तरीके से डाल लिया है, और अब आपको इस मशीन से सिलाई करके दिखाएंगे। पहले हम आपको इसके नीचे का धागा दिखा देते हैं कि नीचे की डब्बी हमने सही लगाई है नहीं। फ्रेंड्स, जब हम अपनी नीचे की डब्बी में धागा डालते हैं तो इस प्रकार हमारी डब्बी होती है, और ये फिरकी होती है, इसमें इस प्रकार हम धागा भर लिए हैं और इस डब्बी में ऐसे डालते हैं इसको, और डालने के बाद इस कट से वैसे होते हुए धागा इस प्रकार इधर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को धागा भी डालना नहीं आता डब्बी में, इस प्रकार धागा डालते हैं। और अब हम इसको मशीन में नीचे फिट कर देते हैं, जैसे निकाला था यहीं से ऐसे करके सीधा ऐसे फिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए कट से आवाज़ आती है, और ये हमारी डब्बी की जो नोक है, यहाँ खांचा होता है, उसमें इस प्रकार बैठनी चाहिए। इसको अब ऐसे बंद कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इससे सिलाई करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मशीन में धागा वगैरह सब डाल लिया है, ये ऊपर का धागा है हमारा। अब इसमें पहले नीचे का धागा उठा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए नीचे का धागा भी ऊपर आ चुका है। ये रस अब हम इससे सिलाई करते हैं। ये देखिए इसी प्रकार इस तरह से हम कपड़ा लगा लेंगे, और ये देखिए हमारी मशीन थोड़ा सा बकिया दे रही है, उसके बाद धागा तोड़ देती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस मशीन में ऑयल पड़ा हुआ है, इसलिए ये धारी तेल वाली है, इस मशीन में तेल डाल रखा है हमने। अब ये देखिए हम इसको अब यहाँ से यहाँ तक बकिया चला के दिखाते हैं आपको, और देखना मशीन धागा कैसे तोड़ती है। आराम आराम से चलाने पर भी धागा तोड़ देगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए मशीन धागा तोड़ गई फ्रेंड्स, ऊपर का धागा कट गया। ये देखिए ये आ गया ऊपर ही, ये देखो ये रहा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फिर से धागा डाल लिया। अब आपको चला के दिखाते हैं, और चाहे स्लो स्पीड में चलाओ, तेज पर चलाओ, तब भी मशीन धागा काट देती है। तो ये प्रॉब्लम हमें कैसे ठीक करनी है वो आपको बताएंगे। ये देखिए मशीन को कितना स्लो स्लो चला रहे हैं। ये देखिए थोड़ी सी बकिया देगी और उसके बाद ये धागा तोड़ देगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए टूट गया धागा। ये देखिए इस प्रकार, ये देखिए पीछे से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें नीचे का धागा तो लगा हुआ होगा। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए नीचे का धागा तो लगा हुआ है इसमें, ये रहा धागा नीचे का। ऊपर का धागा फ्रेंड्स ये मशीन तोड़ जाती है, तो ये कहाँ से और कैसे ठीक होगी फ्रेंड्स, एक बार आपको और चला के दिखाते हैं। धागा डाल लेते हैं। ये जो फ्रेंड्स लवलवी वाला धागा है, ये वाला, ये ऊपर स्प्रिंग वाला, ये धागा टूटता है, इसी को हम ऊपर वाला धागा बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर का धागा दोबारा डाल लिया, फिर से चला के दिखाते हैं आपको, और ये देखना थोड़ा सा बकिया देगी और ऊपर का धागा तुरंत काट देती है मशीन। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए पीछे सिलाई आने लग गई, और ये देखिए अब फिर से ये मशीन धागा तोड़ देगी। ये देखिए थोड़ा तोड़, ये देखिए फिर तोड़ गई धागा। तो इस प्रकार मशीन फ्रेंड्स धागा तोड़ती है आपकी। तो इसको कहाँ से कैसे सेट करना है वो आपको बताएंगे, बने रहिए वीडियो में एंड तक।
सबसे पहले फ्रेंड्स इस मशीन के नीचे शटल को चेक करेंगे, उसके बाद ऊपर का टेंशन स्प्रिंग चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मशीन का शटल है और फ्रेंड्स इस शटल में बहुत ज़्यादा गंदगी जमी हुई है और इसमें कहीं कहीं धार बन जाती है। उस कंडीशन की वजह से ये मशीन धागा काट देती है, क्योंकि जब हमारा ऊपर का धागा जब सुई जैसे ही नीचे आती है निडिल, ये देखिए इस प्रकार हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए हमारी ये जो निडिल है ये ऐसे नीचे आएगी तो हमारी शटल की नोक इस धागे को पकड़ते हुए सीधा इसमें होके ऐसे आती है इसके ऊपर होके। तो फ्रेंड्स जैसे ही धागा इसके ऊपर होके आता है तो इसमें ये जो जंग लगी हुई है कहीं धागा फंस जाता है तो तुरंत ही टूट जाता है। तो फ्रेंड हम सबसे पहले शटल को खोल लेते हैं। ये देखिए जिस प्रकार खोलना है फ्रेंड्स उसी प्रकार हमें कसना भी है। ये देखिए फ्रेंड्स, और जिस प्रकार फ्रेंड्स बताएं ध्यानपूर्वक आपको वीडियो को देखना है और उसी प्रकार आपको अपनी मशीन को ठीक करना है। ये देखिए ये निडल को ऊपर कर देंगे, उसके बाद ये हमारा शटल बाहर आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे निकलेगा नहीं, इस कैरियल को ऐसे सीधा घुमाएंगे तब आएगा। अब ये देखिए हमारा शटल फ्रेंड्स ये बाहर आ गया है और ये देखिए इस तरह जंग लगा हुआ है, हमें साफ़ करना है, पहले बिल्कुल चिकना करना है। ये देखिए फ्रेंड्स धागा इससे होकर रगड़ के जाता है हमारा, जैसे ही धागा ऐसे निकलेगा तो इस शटल से रगड़ता है और इसमें बहुत जंग लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल चिकना होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इसको हम सबसे पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स रेती ले लेंगे और ऐसे करके रेती से इसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे रगड़ देंगे। फ्रेंड्स ये जंग तो छूटेगा नहीं क्योंकि ज़्यादा पुराना शटल है, कृपया इसको इस तरीके से रगड़ के इसको चिकना बना दें बिल्कुल, जिससे कि ये जंग से धागा फंसे ना। अगर हर जगह से इसको ऐसे करके चिकना कर देंगे जिससे कि ये मशीन में चलने लग जाए। नया लागे डाल सकते हो तो फ्रेंड्स नया डाल लो। ये देखिए अब इसकी ये जो ऊपर की सतह होती है इसको रगड़ेंगे इस प्रकार फ्रेंड्स, इसी सारी जंग पे रेती घुमाएंगे। आपके पास जो कुछ हो रेक वाला वगैरह घिसने का उससे कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं अब कपड़े से। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल चिकना हो गया फ्रेंड्स, ये ऐसे काला काला तो दिखेगा ही लेकिन ये बिल्कुल चिकना हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसी प्रकार इसको और हमारी जो ये नाल होती है इसमें ये जो खांचा होता है इसको इस प्रकार स्क्रू से रगड़ देना चाहिए, कोई भी धागा होगा तो फ्रेंड्स निकल जाएगा। अब इसको इसी में फिट कर देते हैं दोबारा से इस प्रकार और इसको अपनी मशीन में लगा देते हैं। फ्रेंड्स निडल को ऊपर, ये जो सुई होती है इसको ऊपर रखते हैं जब हम शटल लगाते हैं उस टाइम पर, इस प्रकार फ्रेंड्स ऊपर होना चाहिए। ये देखिए ऐसे करके, और इसमें शटल हमारा इस साइड में होना चाहिए और ऐसे ही बड़ा आसानी से लग जाएगा। इस प्रकार पोजीशन में रखोगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप बहुत आसानी से ये शटल लग जाएगा, और आड़ा रखोगे ऐसे खड़े में रहेगा तो सही लगेगा, आड़ा रहेगा तो नहीं लगेगा, और ठोक पीट करनी नहीं है इसमें कोई भी। अगर इसमें थोड़ी से फिट करना चाहोगे तो ख़राब हो सकता है, इसलिए ये आसानी से ही लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमने अपना शटल अच्छे से कस लिया है और नट टाइट कर देते हैं। ये देखिए फुल टाइट हो चुके नट। और फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत लगे कमेंट में पूछ सकते हो। ये देखिए फुल टाइट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने ये जो इसकी डब्बी होती है फ्रेंड्स ये वाली, ये फिट करना बताएंगे। ये धागे को इस प्रकार पीछे कर लेते हैं और इस प्रकार शटल की डब्बी को शटल में ऐसे रखेंगे, और ये जो देखो नोक इधर उधर घूम रही है, ये नोक को इस खांचे पे रख के जब दाग लगाना है इसमें,
ये देखिए कट से आवाज़ आएगी, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल ही ये नोक इसके लेवल में आ जाएगी, समझ लो डब्बी फ्री हो गई और लग चुकी है। ये देखिए ऐसे घूमेगा नहीं, एकदम लग चुका है अब। और इस मशीन से अब आपको सिलाई करके दिखाएंगे, इसको डब्बे में लगाते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मशीन को डब्बे में लगा लिया है और ये जो हमारे ऊपर का जो धागा होता है, ये वाला फ्रेंड्स, इसकी ये जो टेंशन स्प्रिंग होती है फ्रेंड्स, ये वाली ज़्यादा, ये जो धागा इसमें से, ये देखिए ये जो लबलबी में से ये जो धागा आ रहा है, ये वाला धागा फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड्स लबलबी में, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो लबलबी में से धागा आ रहा है, ये हमारा ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ये देखिए वैसे हमारा धागा हमने यहाँ से ऐसे करके लूज कर दिया है, ये यहाँ से लूज कर दिया है, तो हमारा ये धागा सही आ रहा है फ्रेंड्स, और बिल्कुल ही मशीन अच्छा सिलाई देगी अब। और ये देखिए पहली सेटिंग नीचे बताई है, दूसरी सेटिंग इसकी करनी है। तो हमारी मशीन बन के एकदम कम्प्लीट होगी, अब आपको इसकी सिलाई निकाल के दिखाते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हमारी मशीन एकदम प्रॉपर सिलाई देने लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इस धागे को पहले निकाल लेते हैं और धागा डालते हैं पहले सुई में। ये देखिए फ्रेंड्स, सुई में धागा डल चुका है और नीचे का धागा, ये देखिए मशीन ऊपर ले आई है। ये देखिए फ्रेंड्स, और एक नया कपड़ा ले लेते हैं। ये देखिए हमने ये दूसरा कपड़ा लिया है उसी कलर का, और इस कपड़े में पूरा बखिया निकाल के दिखाएंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, कहीं भी कोई धागा ना काटेगी मशीन और एकदम अच्छे से चलेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार आपको मशीन को ठीक करना है। ये देखिए कितना लंबा सिलाई हो गया। देखिए फ्रेंड्स, मशीन बहुत ही लंबा बखिया देगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें अब। और फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सिलाई दे रही है मशीन। ये देखिए मोटे पे भी चढ़ रही है, गांठों पे भी, और कितना लंबा बखिया दे रही है। ये देखिए ना ही धागा कट रहा है, ना ही कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना लंबा कपड़ा है, और ये देखिए बिल्कुल ही क्लियर डी सिलाई आ रही है। देखिए इतनी लंबी बखिया दी है फ्रेंड्स, कहीं धागा भी नहीं कटा अभी तक। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट की तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।